हे फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं आलू और गोभी की सिंपल सी सूखी सब्जी, जिसके लिए मैंने दो गोभी ली है, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का था। थोड़े से आलू लिए हैं मैंने और दो से तीन प्याज लिया है। यहाँ पे मैंने गोभी सारे कट करके साफ़ करके कट कर लिए हैं और आलू को भी मैं यहाँ पे छील रही हूँ। इनको भी हम साफ़ करके छीलने के बाद वॉश कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं मैं फटाफट से जो आलू है उसको भी छील रही हूँ। छीलने के बाद मैं गोभी में गर्म पानी डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अगर गोभी आलू भी मैंने लंबे लंबे साइज़ में कट करके रख लिया है, उसमें भी गर्म पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैं तड़के के लिए प्याज काट रही हूँ। फटाफट से प्याज और मिर्ची को हम कट कर लेंगे। बारीक बारीक लंबे लंबे साइज़ में मैं प्याज को कट कर रही हूँ। तब तक आप मुझे बताइएगा आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है। अभी मैं हरी मिर्च लूँगी 3 से 4, उसको मैं कट करूँगी। यहाँ पे फटाफट से मिर्ची काट कट कर लेते हैं। एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ सरसों का। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और जीरा, और प्याज मिर्ची को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए प्याज भून लेंगे अच्छे से तेल में। फटाफट से यहाँ भून लेते हैं प्याज को। इसके बाद हम आगे प्रोसेस में बताती हूँ कि इसके बाद क्या होगा। जैसे प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, तो कटे हुए जो आलू और गोभी हमें धो के रखा हुआ है उनको हम उसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे, और 10 से 15 मिनट के लिए ढक के इनको पकाएंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और इनका कच्चापन बाहर निकल जाए। और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता कट किया है, टमाटर और बेसिक सा हम मसाला डालेंगे। मैं टमाटर डाल के फिर उसके बाद मैं डालूँगी हल्दी, नमक और धनिया पाउडर मिक्स है, जिसमें गरम मसाला भी हमारा मिक्स होता है। फिर मैं उस मसाले को डालूँगी और धनिया के पत्ते डालने के बाद धनिया पत्ता यहाँ पर डाल दिया मैंने, और इस सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको फिर से ढक दूँगी और ढक के धीमी आँच पर हम इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए पका लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ढक के रखा है। यहाँ पर ओपन करके दिखाऊंगी, ये पक के रेडी है। मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये सर्व करने के बाद ये कुछ ऐसा बना हुआ है। कैमरे की वजह से उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट फिर भी सही दिख रहा है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।